like a Hellcat. एफएसएम प्रिंटर को यूज करते समय हम लोग देखते होंगे कि बहुत समय के बाद प्रिंट करते समय आपका पेज में डबल लाइनिंग आता है। जैसे कोई प्रिंट कर रहे हैं, जिसे पेज में देखे हम लोग प्रिंट किए हैं, तो इसमें डबल आपका जो प्रिंट किया हुआ है डबल इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, इसके बारे में आज हम बताएंगे। ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम है कहाँ से। वो तो सोचते हैं कि हेड ख़राब है, लेकिन हेड का प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे देख सकते हैं कि ये जो हेड का, इसमें जो हेड हम लोग मूविंग होता है, तो ये बहुत ही मूविंग होते हुए बहुत ही इसको किया गया है। और इसमें जो ये पत्ती है, इसमें आपका हल्का सा ग्रीस लगा हुआ रहता है, तो वो भी बहुत सूख गया है। और इसे देख सकते हैं कि ये जो पत्ती है, इसमें डस्ट भी आपका जो बैठ गया है, तो इससे जो है हेड को मूव करने में दिक्कत करता है। और जैसे इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही डस्ट भरा पड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग साफ करेंगे। और जो ऊपर में जो पत्ती है जिस पर हेड मूव करता है, उसे भी हम लोग साफ करेंगे। और इससे हम साफ करने के बाद हल्का सा ग्रीस लगाएंगे, जिससे हेड को अच्छी तरह से मूव करने को मिले। हेड अगर जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं और हेड मूव होने में दिक्कत होता है, तो वो प्रिंट सही नहीं आता है, आपका डबल प्रिंट नज़र आएगा, एक परछाई तरह का। तो उसके लिए हम लोग देखिए कपड़ा लेकर हेड को जो पत्ती है या हेड मूविंग होता है, उसे हम साफ करेंगे। और देखिए नीचे में भी आकर बहुत सा डस्ट जमा है, तो हो सके तो जहाँ तक हो उसे साफ कर ले। और ब्रश से भी आप जहाँ पेज डालते हैं वहाँ पर भी डस्ट जम जाता है, तो कपड़ा से पोंछने पर ये साफ नहीं होता है। तो एक छोटा सा ब्रश लेके हम लोग इसे साफ कर सकते हैं। और जहाँ तक मुमकिन हो आप ब्रश लेके या कपड़ा लेकर प्रिंटर को साफ करें। देखिए सर, अभी हेड हम मूव कर रहे हैं, तो वो अटक रहा बीच में कहीं, फंस रहा। तो देखिए ये एक हम एक थिनर लिए हुए हैं, थिनर से इसको हम साफ कर रहे हैं। जहाँ भी डस्ट बैठा हो तो अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा कि फिर आपको हेड मूव करने में दिक्कत नहीं होगा और प्रिंटिंग सही आएगा। तो इसको हम थोड़ा साफ करेंगे बाहर से भी और अंदर से भी साफ करेंगे, कि अंदर में भी आपका जो डस्ट है बढ़ जाता है। ये प्रिंटर को हम लोग डस्ट से जितना हो सके बचाइए, डस्ट से अगर बचा कर रखिएगा तो इसका प्रिंटर का लाइफ बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। और ये पत्ती साफ करने के बाद देखिए आपका जो जहाँ पर हेड आपका लास्ट में बैठता है, स्टॉप होता है, उसको भी हम लोग साफ करेंगे। एक सूखा कपड़ा ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से वहाँ पर थोड़ा दबा कर प्रेस करके साफ कीजिए। इसमें जो इंक रहता है, इंक आपका यहाँ पर वो जम जाता है, और जमने के बाद कभी कभी हेड में जो हेड का प्रॉब्लम आता है, तो इसे हम सूखा कपड़ा से अच्छी तरह से साफ करेंगे, जितना हो सके साफ कीजिए। और ये देखिए इसका बल में लबड़ का जो लंबा सा दिखाई दे रहा है, इसे जरूर साफ करें। इसे भी हम लोग थिनर से या पिटोल या क्रसन तेल लेकर इसे हम साफ करेंगे, तो ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। और देखिए मैंने एक थिनर से जो यहाँ पर हमारा पिनियन है, उसे भी हम लोग साफ कर देंगे, क्योंकि पिनियन का जो खांचा है उसमें बहुत सा डस्ट बैठ जाता है, तो वो मूव करने में बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, तो मूव सही से नहीं होगा, जाम मूव होगा। तो इसे भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ब्रश से। पहले सूखा कपड़ा से इसको साफ कीजिए, फिर ब्रश लीजिए, ब्रश में
थिनर ले लीजिए या पिटोल ले लीजिए, पिटोल से अच्छा साफ होगा। और ये पिटोल आपका जो है जैसे कि जानते हैं वो हवा लगने बाद उड़ जाएगा, तो पिटोल या थिनर से आप साफ करने के बाद इसमें हम लोग हल्का सा ग्रीस भी लगा देंगे जिससे मूविंग अच्छी तरह से हो। देखिए थिनर से साफ करने के बाद इसे हम थोड़ा सूखा कपड़ा से फिर से पोंछ लेंगे क्योंकि जो भी डस्ट लगा हुआ है वो निकल जाए। और देखिए जो पिनियन है हम इसे हाथ से घुमा घुमा कर इसमें जहाँ भी डस्ट है इसको साफ करेंगे। जैसे देख सकते हैं एक डस्ट जो है जम चुका है, तो देख सकते हैं देखिए ये डस्ट जो है अंदर में फंसा हुआ था। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सफाई अच्छा से हो, प्रिंटर जितना साफ सुथरा रहेगा उतना ही अच्छा तरह से परफॉर्मेंस करेगा। और इंकजेट प्रिंटर का जानते हैं कि इसे डस्ट से बचा कर रखना चाहिए, लेकिन बहुत सा जो शॉप है मार्केट में है या दुकान जो रोड के किनारे है तो डस्ट से बचना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए प्रिंटर अगर यूज नहीं है तो उसको कपड़ा से, तो कोई भी कपड़ा से इसे ढक के रख सकते हैं। जब यूज करना हो तो फिर इसको कपड़ा हटा के यूज़ कीजिए। इससे थोड़ा क्या होगा प्रिंटर आपका जो है बचा रहेगा डस्ट से। तो इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद आपको मैं बताऊँ कहाँ कहाँ आपको ग्रीस लगाना है। ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक पेचकस में हल्का सा ग्रीस लिया और जो हेड का पत्ती है जो हेड मूव होता है उसमें हमें हल्का हल्का ग्रीस चारों तरफ लगाना है। आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ हल्का हल्का पत्ती पर ग्रीस हल्का हल्का चारों तरफ फैला देना है। ज़्यादा लगाइएगा तो आपका ग्रीस जो है हेड जो मूविंग करेगा, तो मूविंग करते समय जो ग्रीस एक्स्ट्रा ग्रीस है आपका प्रिंटर में गिर जाएगा और पेज जब प्रिंट मारेंगे तो पेज पर लगा हुआ निकलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि ग्रीस को हम लोग एकदम हल्का ही देंगे, ज़्यादा नहीं देना है। आप पेचकस ले लीजिए या जो हम लोग बर्ड्स बोलते कान साफ करने वाला उसमें रुई लगा हुआ रहता है उससे भी लगा सकते हैं आप। तो देखिए मैंने चाहा तब हल्का हल्का मात्रा में ही ग्रीस लगा रहा हूँ। और पत्ती का हम लोग जो है पीछे साइड भी एक दो जगह ग्रीस लगाएंगे क्योंकि हेड जो है आपका आगे और पीछे दोनों पत्ती का पकड़ के चलता है, बीच में पत्ती रहता है, तो आगे लगाएं और पीछे भी जरूर लगाएं। जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं पत्ती के पीछे साइड में हल्का सा ग्रीस लगा रहा हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा कि आपको प्रिंटर को हम लोग सर्विस कैसे करेंगे। सर्विस सेंटर में ले जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर सर्विस के नाम पर 400-500 बिल बना देता है, तो आप खुद ही घर अपने खुद से सर्विस कर सकते हैं। अब हेड को हम लोग साइड मूव करेंगे और ये जो दूसरा साइड है उधर भी हम लोग हल्का सा ग्रीस लगाएंगे। हेड को ज्यादा एंड तक मूव मत कीजिए नहीं तो फिर वो वहां पर लॉक हो जाएगा। अब इस साइड भी हम लोग देखिए हल्का सा ग्रीस लगाएंगे।
ग्रीस लगाने के बाद हम लोग तो हेड को चार तो मूव करेंगे ताकि थोड़ा हेड जो मूव करने में दिक्कत हो रहा हो थोड़ा फ्री हो जाए। लेकिन जब प्रिंट हम लोग करते हैं तो हेड सही से मूव नहीं होता है, तो जो प्रिंट जहाँ करना चाहिए तो अगर हेड बीच में अटकेगा तो वो आपका डबल प्रिंट आपको दिखाई देगा, एक प्रिंट का परछाई तरह आपका नज़र आएगा। जैसे ए लिखे हैं तो बगल में एक और ए नज़र आएगा। और देखिए आपको ग्रीस जो है आपका जो इस साइड का पिनिंग है इधर भी आपको हल्का का ग्रीस लगा देना है। आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही कम मात्रा में लगाना है। और देखिए और यहाँ पर भी आपको ग्रीस ज़रूर लगाना है। और कहाँ ग्रीस आपको नहीं लगाना है, ये जो डबल बेल्ट है हेड इससे जो मूव होता है इस पर आपको ग्रीस भूल से भी ना लगाएं। और ऊपर एक प्लास्टिक का जो पत्ती है उसमें भी आपको नहीं लगाना है।